टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। यूपी के बुलंदशहर में युवक की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई। मृतक का शव उसी के घर फंदे पर झूलता मिला। वहीं मृतक के परिजनों ने मृतक के सालों पर गला दबाकर हत्या का आरोप लगाया। घटना बुलंदशहर के नरौरा थाना क्षेत्र की है, जहां पर युवक का शव घर के कमरे में फांसी के फंदे पर झूलता मिला। पोस्टमार्टम करवाने आया। क्या हुआ था? हमारा भतीजा है ना, उसकी ससुराल वालों ने गला घोट के हत्या कर दी। किस वजह से करी? वो बाहर एक काम करता है और रात में वहाँ से आया था 19 तारीख को। पति पत्नी में थोड़ा झगड़ा सा हो गया आपस में। उसने जो है वहाँ पे अपने ससुराल वालों भैया पे फोन कर दिया, भैया आए गए उसके कल सुबह और पूरे दिन उससे कैंसरन मारपीट की और शाम के टाइम में उसने गला घोट दिया। कौन कौन थे जिन्होंने हत्या करी थी? दोनों भाई थे, एक सत्यपाल और सुमरन। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच हुई कहासुनी के बाद मृतक के आरोपी साले समझौता कराने के लिए मृतक के घर आए थे। आरोप है कि आरोपी सालों ने मृतक जीजा के साथ पहले जमकर मारपीट की और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। सूचना के बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया, जबकि पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये ग्राम रतनपुर है, यहाँ का एक जयदेव है जिसकी उम्र करीब 28 वर्ष है। तो कल इसकी डेड बॉडी मिली थी जो फांसी पर टंगी हुई थी, तो उसको पुलिस ने पंचनामा करके पोस्टमार्टम भिजवा दिया है। और उसके घर वालों द्वारा जो भी बताया जा रहा है कि उसकी हत्या की गई है, तो क्योंकि पोस्टमार्टम हो रहा है उससे स्थिति क्लियर हो जाएगी। पुलिस अधिकारियों की ओर से दावा किया जा रहा है कि घटना की बारीकी से जांच की जा रही है और मृतक के परिजनों की तहरीर पर जांच कर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।